छात्राएं राजनीति से दूर रहें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और साथ ही अपनी साथी छात्राओं की समस्याओं को लेकर महाविद्यालय के साथ मिलकर काम करें। मुरादाबाद के गोगुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छात्रा कल्याण परिषद का गठन किया गया। इस अवसर पर 12 पदों के लिए छात्राओं को जिम्मेदारी दी गई और साथ ही पूरे संगठन में 21 छात्राओं को सम्मिलित किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या ने सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी और ये कहा है कि महाविद्यालय की अनेक समस्याओं के साथ साथ शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के लिए सभी छात्राएं अपना योगदान देंगी। मुरादाबाद के गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में छात्रा कल्याण परिषद का गठन किया गया। इस अवसर पर 12 पदों के लिए सहसहमति से चुनाव संपन्न कराया गया और कई छात्राओं को परिषद का सदस्य भी बनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर अंजना दास द्वारा कराई गई और छात्रा कल्याण परिषद की अध्यक्षा सिद्दीकी सरीन को बनाया गया। इसके साथ ही उपाध्यक्ष आयशा नास, सचिव साक्षी यादव, महासचिव मंजू यादव, सांस्कृतिक सचिव आदिना फरत, उप सांस्कृतिक सचिव फलक नूर, अनंता, पुस्तकालय मंत्री सोनम प्रजापति, व्यवस्था प्रमुख रोशन प्रजापति, जिला सचिव सनोली प्रजापति, एनएसएस प्रतिनिधि इकरा अंजलि, व्यवस्था सचिव बुशरा महबूब, मुस्कान प्रजापति के साथ में छात्राएं भी शामिल है। सभी छात्राओं को बधाई दी गई और आशा की गई कि वे महाविद्यालय में छात्राओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेंगी और महाविद्यालय में पठन पाठन को लेकर अपना योगदान देंगी। आज हमारे कॉलेज में गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद महाविद्यालय में छात्रा कल्याण परिषद का गठन हुआ है और मैं अध्यक्षा के पोस्ट से पद से चुनी गई हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबकी हेल्प करूँ। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबके साथ, मेरे साथ जितने भी लोग हैं इस परिषद में, मैं सबके साथ कोऑर्डिनेशन में रहूँ, सब मेरे साथ अच्छे से, मैं सबको सबकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं जो टीचर्स के पास जाने से हेजिटेट करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी बात टीचर्स तक पहुंचाऊं, प्राचार्य जी तक पहुंचाऊं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं सबकी प्रॉब्लम सुनूं और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूं। मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मैं आज हमारे महाविद्यालय में होने वाले चुनाव में सचिव के पद के लिए निर्वाचित हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपने सभी साथियों के लिए जो संभव मदद हो सके वो करूंगी। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर अंजना दास ने बताया कि हर वर्ष हमारे महाविद्यालय में छात्राओं को राजनीति से दूर रहने के साथ साथ छात्रा कल्याण परिषद का सदस्य भी बनाया जाता है, जिससे वे छात्राओं के हित के लिए महाविद्यालय के साथ मिलकर काम करें। आज गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में छात्रा कल्याण परिषद का इलेक्शन हुआ है और उसके बाद इस परिषद का गठन हुआ है, जिसमें कि सभी पदों पर छात्राएं चुन के आई हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, लाइब्रेरी सचिव, एनएसएस सचिव, स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव और व्यवस्था प्रमुख। इन छात्राओं का चुनाव कक्षा प्रतिनिधि छात्राओं ने किया है, जो कि जिनका इलेक्शन पहले ही कक्षाओं में हो चुका था। हमारा उद्देश्य महाविद्यालय में ये रहता है कि छात्राएं राजनीति से दूर रहते हुए अपना जो भी इनका पोटेंशियल है, जो भी इनका टैलेंट है, जो भी इनकी क्रिएटिविटी है, उसको हम एक मंच प्रदान कर सकें। और ये बच्चे 3 दिन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें इनके विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए जाते हैं। शपथ ग्रहण की अभी हमने डेट फाइनलाइज नहीं की है, जो कि हम बहुत ही जल्दी करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर पुनीत शर्मा, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर सुदेश, डॉक्टर एकता भटनागर, डॉक्टर अंजलि गुप्ता, डॉक्टर प्रेरणा सैनी, डॉक्टर प्रेमलता कश्यप के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे।